अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आइए राज्यपाल कैसे बैठिए अपने प्रेस के अभी सभी साथियों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आज मथुरा में वृंदावन में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन समाप्त हुआ है और इधर लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए समय समय पे उन्हें बहस करना पड़ता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने परसेप्शन के चुनाव में और जो एक झूठा माहौल बना देते हैं उससे लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया था कि विधानसभा स्तर के बूथ स्तर के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें आज की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो देश की अर्थव्यवस्था है, जिस हालत में अर्थव्यवस्था पहुंच गई है उसके बारे में समझाया जाएगा। देश के सामने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संकट पैदा किया है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फैसले हुए हैं उन फैसलों ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश को पीछे किया है, अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। जहां जनता ने इतना भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों पर, वहीं नोटबंदी से लेकर के GST, उसके बाद वैश्विक महामारी का जो दौर आया और जो सरकार ने गलत तरीके से लॉकडाउन किया है उससे पूरी अर्थव्यवस्था भारत की चौपट हो गई है। अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है। सरकार के पास अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई रास्ता नहीं है और फिर ऊपर से जो महंगाई की जा रही है, इस महंगाई के कारण जो गरीबों पर, मध्यम वर्ग पर, किसान पर, छात्र नौजवान युवाओं पर जो असर पड़ रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब अर्थव्यवस्था डूबेगी, आगे नहीं निकल पाएगी। जहां ये भारतीय जनता पार्टी के दावा करते हैं कि हम दुनिया में विश्वगुरु बन जाएंगे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं दुनिया का कौन सा देश होगा जो अपने किसानों को इस तरीके से अपमानित करेगा। दुनिया का हमें एक देश बता दीजिए जो अपने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहता हो। दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो फौज के मामले में भी सबसे ताकतवर है, अमेरिका जैसा देश भी अपने किसानों की मदद करता है। मैं वही जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, अगर दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था का मुकाबला करना चाहते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की, जो हमारे किसान हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए जो तीन कानून लाए हैं ये डेथ वारंट है किसानों के लिए और कहीं ना कहीं सोची समझी चाल है और एक स्ट्रेटजी के तहत, एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये सरकार किसानों को पहले बर्बाद करना चाहती है और उसके बाद किसानों की खेती पर कब्जा करना चाहती है और पूरा का पूरा कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा नौजवान, हमारा व्यापारी, उसके सामने भविष्य नहीं दिखाई देता। जितने भी फैसले लिए हैं, नोटबंदी में कहा कि काला धन आ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी पटरी पे आ जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वो फैसला तब लिया था, उसमें लोगों की जान गई। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी अर्थव्यवस्था उसकी वजह से बेहतर हुई है और कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और GST जिस तरह लागू हुआ, आज़ादी का जैसे जश्न मना था, उसी तरह GST जैसा कानून लागू किया गया और GST कानून लागू होते ही
हमारा छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी और जितना भी भारत का मध्यम वर्ग का उद्योग चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर संकट पैदा हुआ। न जाने कितनी बार संशोधन करना पड़ा, आज भी जीएसटी का सरलीकरण नहीं कर पाए। और उसके बाद जो वैश्विक महामारी आई, उस समय जो फैसला लिया गया, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा कि इतनी बेरहमी से फैसला लिया गया हो। लोग जो कुछ था उनके पास अपना सामान लेकर के घर से निकल पड़े, जो कुछ उनके पास साधन था उससे निकल पड़े और चलते चलते लोगों ने जान दे दी। उत्तर प्रदेश में ही अकेले 90 लोगों की जान गई है, मजदूर जो घर नहीं पहुंच पाए। सरकार ने कोई मदद नहीं की, ना खाने का इंतज़ाम किया जब इंतज़ाम की ज़रूरत थी, और ना ही उन परिवारों की मदद की जिनके मजदूर जो दूसरी जगह हमारे देश की सेवा कर रहे थे उनकी जान चली गई। केवल समाजवादी पार्टी ने मदद की और समाजवादी पार्टी ने उनके परिवारों को 1-1 लाख की मदद की। कोई कल्पना कर सकता है कि एक गर्भवती माँ चल दे, उसे कोई साधन न मिले, ललितपुर में बेटी पैदा हो जाए, 2 घंटे इंतज़ार करे और उसके बाद फिर उसको अपने गांव तक जाना पड़ जाए और सरकार देखती रह गई। जिस सरकार के पास 90,000 से ज़्यादा बसेस हैं, इंतज़ाम करती सकती थी सरकार, बड़े लोगों के लिए तो हवाई जहाज थे लेकिन गरीबों को लोगों को सड़क पर छोड़ दिया। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, इन तमाम फैसलों के बाद आज नौजवानों के पास नौकरी, काम, रोज़गार है कि नहीं है? अगर है तो बताए सरकार की नौकरी रोज़गार कहाँ मिल रहा है? लगातार नौजवानों के सामने संकट है और ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इनका सबका वेतन कट गया। इतना जातिवादी व्यवस्था सरकार में कभी देखने को नहीं मिली होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और फिर विकास के नाम पर समाजवादियों ने तो बहुत काम कर करके दिखाया है। अगर मथुरा का देखें, आपका हरिद्वारगंज का देखें, अलीगढ़ के काम देखें, हाथरस के देखें, समाजवादियों ने जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे उनको कर करके दिखाया। अगर हाईवे बनाना पड़ा होगा तो एक्सप्रेसवे बनाए हैं, जिलों मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, इधर आप देख सकते हैं जो समाजवादी सरकार में 4 लेन बने हैं। इसी तरह टप्पल से अलीगढ़ को जोड़ने वाला 4 लेन बना है और भी कई एक्सप्रेसवे बने हैं। हरिद्वारगंज का 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट थर्मल का अगर किसी सरकार में लगाए तो समाजवादी सरकार में लगाए। बहुत दूर नहीं, एटा में ही 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है। आपका ललितपुर में लगवाया 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, ये 2,000 मेगावाट के हैं और इतनी पर्याप्त बिजली बनाई है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बिजली बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहता हूँ, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी के मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि सुपर क्रिटिकल प्लांट भी होता है, 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट होता है। अगर एक भी कोयले से बनने वाली बिजली 1 मेगावाट भी ऐड किया हो तो बता दे हमें सरकार। ट्रांसमिशन लाइंस में बड़े काम किए हो तो बता दे सरकार। सब स्टेशंस को बनाने में काम किए हो तो बता दें। डिस्ट्रीब्यूशन में जो काम हो रहा हो तो वो बता दें। केवल एक काम किया है, लगातार बिजली के बिल बढ़ाए हैं और इतनी बिजली महंगी हो गई है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कर भी देगा तो शायद वो कारोबार नहीं चलेगा, वो दूसरे प्रदेश से बनने वाले सामान या जो उत्पादन हो रहा है उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो कुछ समाजवादी पार्टी कर सकती थी अपने समय में किया। मैं तमाम ऐसे ही योजनाएं हैं जो आपको भी मैंने बांट दी हैं, अगर आप चाहें तो समाजवादी पार्टी के हम लोग फिर बता सकते हैं आपको। कई 100 करोड़ उत्तर प्रदेश की सरकार जो समाजवादी पार्टी थी मथुरा वृंदावन के लिए काम दिया है। वृंदावन में सड़कें कैसे बेहतर हों, स्ट्रीट लाइटिंग कैसे बेहतर हो, LED लाइटिंग कैसे हो, अगर साइकिल ट्रैक भी बनाना पड़ा तो वो बनाया, और जो आपके कई उलझे हुए काम थे उन कामों को भी ठीक करने का काम समाजवादी लोगों ने किया। बहुत सारे काम हैं, गोवर्धन का जितना सुंदरीकरण हो सकता था वो किया। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे साथ विनीत नारायण जी बैठे हैं और सबसे पहले मथुरा वृंदावन के लिए अगर कोई प्रस्ताव लेकर के आया था जो मथुरा वृंदावन से लगाव रखते हैं तो वह विनीत नारायण जी हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन के लिए काम होना चाहिए। उसी समय सरकार ने फैसला लिया और एक गठन किया बोर्ड का
मैं जानना चाहता हूं कि बोर्ड के गठन के बाद जो मंशा थी बोर्ड की कि इसमें वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट हो, वर्ल्ड क्लास लैंडस्केपिंग का कोई लैंडस्केप करने वाला हो, या कोई टाउन प्लानर हो, कोई एस्थेटिक को देखने वाला हो। मैं समझता हूँ हेरिटेज, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का रिलीजन, रिलीजियस कनेक्शन, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, इन सब के बारे में कोई अगर जानकारी रखता हो, अगर ऐसा एक्सपर्ट आया हो तो बता दें। मथुरा वृंदावन में कोई बड़ा काम किया हो तो बता दें। मुझे याद है उस समय जब रिवर फ्रंट यहाँ का दिया गया था यमुना का, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा का पानी पी करके, यमुना का पानी पी करके ये कसम खाते थे कि हम यमुना साफ कर देंगे, हम गंगा साफ कर देंगे। अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो सोचो कितना अच्छा बहाना बता के गए, बोले कि उत्तर प्रदेश में जो यमुना गंदी है वो दिल्ली की वजह से गंदी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो वो खुद गद्दी पर बैठे हैं, दिल्ली में बता दे गद्दी पर कौन बैठा है और जिसकी वजह से यमुना गंदी है। और ये बात सच है, जब तक गंगा में जुड़ने वाली नदियाँ, चाहे वो काली नदी हो जो कन्नौज में जुड़ जाती है, चाहे यमुना और चंबल इटावा में जुड़ करके संगम में जुड़ जाती हैं, अगर ये नदियाँ साफ नहीं होंगी तब तक गंगा साफ नहीं हो सकती। और ये यमुना को लेकर के न जाने कितना आंदोलन हुआ। मुझे वो समय याद है कि जिस समय हमारी पार्टी के सदस्य हमारे बगल में बैठे, इन्होंने सुझाव दिया था कि अगर गंगा का पानी जोड़ दिया जाए यमुना में, और बहुत साधारण तरीके से जोड़ा जा सकता है, वो काम शुरू हो गया था और शुरू हो जाता सरकार में, बैराज भी बन जाता। लेकिन इस सरकार के जाने के बाद जितने भी प्रस्तावित कार्यक्रम थे, योजनाएं थी, वो सब ठप कर दी। रिवर फ्रंट शानदार बन जाता, वो ख़त्म कर दिया। तो ये सरकार है विनाश करने वाली, विकास करने वाली नहीं है सरकार। इतना असत्य बोलने वाली कोई सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं आई होगी जितना ये भारतीय जनता पार्टी की है। इनका एक ही काम है, नाम बदलो, रंग बदलो। हम तो कहेंगे कि लखनऊ में जिस नाम से जाओगे, ज़रूरी नहीं कि उसी नाम से लखनऊ से वापस आ जाओ आप। ये जो ठोको नीति चल रही है, ये ठोको नीति का असर देखिए कि पहले तो बिजली का मीटर ठोक दिया, और मीटर जब ठोक गया तो उसके बाद बिल ठोक दिया, और कितना बिल ठोका है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और जितनी महंगाई की मार है, अब जनता ने मन मना लिया है कि इस चुनाव में भाजपा को करेंगे बाहर। ये डीजल पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि डीजल पेट्रोल के महंगाई के बाद ये आखिरकार मुनाफा किसके लिए जा रहा है? ये जो मुनाफा हो रहा है कंपनियों को, ये मुनाफा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? बैंकें डूब रही हैं। अगर किसी देश की बैंक डूबने लगे तो समझ लीजिए क्या हालत होगी। डीजल पेट्रोल अगर यही सरकार चलती रही तो 100 से ऊपर हो जाएगी। हमारा उज्ज्वला सिलेंडर 1000 से के लगभग पहुंच गया और ऊपर चला गया कुछ, जिसका वजन ज़्यादा होता है। तो अब मध्यम वर्ग ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या। कभी कल्पना कीजिए, हमारी बैंक्स हमें कितना इंटरेस्ट देती थी, FD में कितना इंटरेस्ट मिलता था। जब से ये सरकार आई है लगभग 4% से लेकर के 5% FD का हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। जो लोग बैंक मर्ज कर रहे हैं वो बैंक ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए आज प्रत्येक शिविर में हम समाजवादियों ने तय किया है कि मथुरा वृंदावन और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो समाजवादी पार्टी का विज़न था, जो समाजवादी पार्टी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जो समाजवादी पार्टी का रोड मैप था, वही असली विकास का रोड मैप है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है विकास का, कोई भी उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं हैं। और इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे होंगे? यहीं पर मुख्यमंत्री जी आए थे और कहा कि अगर बंदर भगाने तो हनुमान चालीसा पढ़ दो, और सोचो बंदर भगाने के लिए क्या करना पड़ा अभी जब पिछली बार आए थे। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री लैपटॉप ना बांट रहे हों, मुझे खुशी है अभी बड़ी संख्या में बच्चों से मिलने का मौका मिला जिन्हें समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला था। मैंने कहा उन्हीं बच्चों से कि बच्चों को लैपटॉप इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते, और अगर वो लैपटॉप चलाना जानते होते तो शायद वो अपने संकल्प पत्र को पढ़ते
उसके पन्ने पलटते तो लैपटॉप भी मिलता और डेटा जो फ्री मिलने का वादा किया था वो भी मिलता। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत झूठ बोला जा रहा है, नौकरी को लेकर के झूठ बोला जा रहा है। पहले ट्वीट किया जाता है, फिर डिलीट किया जाता है, फिर उसको ढूंढा जाता है वो आखिरकार है कहाँ जिसको नौकरी मिली थी। तो सोचिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, एक्सप्रेसवे बनाए हैं 4 और 5। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, एमओयू का एमओयू कर रही है। अभी तक अपना कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर पाई है और 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। किसी को धान की कीमत मिली हो तो बता दे। इसलिए जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से जाने वाली है और प्रतिज्ञ शिविर के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। इस बार इनसे हिसाब किताब होगा वोट का। भारतीय जनता पार्टी अगर सुई की नोक का भी काम कर देगी तो जश्न ही मनाएगी, क्योंकि उनका विजन केवल टेलीविजन है। केंद्र को इन फैसलों को लेकर के समाजवादी पार्टी खिलाफ है, इन बिलों के खिलाफ है, और समाजवादी पार्टी के लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में सभी हमारे सदस्यों ने इन बिलों के खिलाफ अपनी बात रखी है। और समाजवादी पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, और अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा का भाषण सुना होगा, याद कीजिए, बीजेपी ने क्या कहा था कि एमएसपी रहेगी, वो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैंने पूछा कि बताओ कहाँ एमएसपी मिल रही है, और मथुरा में हमें बताओ कितने लोगों को धान की एमएसपी मिल गई है, 1800 से ऊपर रुपए कीमत तय है। जब सरकार की नियति ये है कि कुछ लोगों के हाथ में बाजार दे दें, हम किसान को बाजार के हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता है, किसान की मदद से ही हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। आप देखिए, सरसों का तेल कुछ लोगों के हाथ में दे दिया उसका बाजार, क्या मस्टर्ड का हम एमएसपी दे पा रहे हैं, क्या मक्का का हम एमएसपी दे पा रहे हैं, क्या हम जौ बाजरा का एमएसपी दे पा रहे हैं, आलू के लिए खरीद के लिए क्या तैयारी है, और अगर घाटा होता है तो किसान की मदद के लिए क्या आलू की तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ी बड़ी मंडियां बनाना शुरू किया था, 100-100 एकड़ की मंडियां बनी थी, उन मंडियों को न काम पूरा किया, उनको बर्बाद कर दिया। तो इस सरकार की नियति नहीं है कि किसान को आगे बढ़ाएं, इनकी नियत केवल एक है कि पूरा का पूरा कब्जा उद्योगपति बड़े घरानों को दे दें। ये जनता के लोग नहीं हैं, ये उद्योगपतियों के प्रतिनिधि हैं। स्वाभाविक है, अब जनता के सवालों को वादा करके गए हैं अगर आप, और जनता के उन सवालों पे खरे नहीं उतरे हैं, तो जनता आपसे सवाल करेगी? समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। उन्हें बधाई, समाजवादी पार्टी उनका भी एक छोटा दल है, उनका भी दल है, उनके साथ रास्ता खुला है। लगातार तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है, अगर आपकी सत्ता सरकार प्रदेश में आती है तो क्या तेल की कीमतों में कटौती की जाएगी? मैं चाहूंगा जल्दी बनवा दो सरकार, और पहला फैसला वही होगा जो आप कहोगे, जल्दी बनवाओ। लेकिन आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे हैं, और उन पर मुकदमे बकरी के, जानवर के, लाइब्रेरी के और ज़मीनों के, और आप पत्रकार साथी हो, यहाँ के मथुरा के हो, आप बताओ किस पे ज़मीन का मुकदमा लगवाना है? और आपसे बेहतर नहीं जानता होगा कोई ज़मीनों का मामला, और आप सच भी जानते हो लेकिन कुछ मजबूरियों से आप नहीं बोल पा रहे। केवल उन्हीं पर नहीं, जितने झूठे मुकदमे अगर पत्रकारों पे भी लगे होंगे उनके भी वापस ले लेंगे। लेकिन पत्रकार साथियों अभी बता दो, आप पे लगे कि नहीं लगे? मैं पत्रकार साथियों आपका धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि समाजवादी सरकार ने अपनी बिल्कुल नियत साफ रखी है। अगर किसी के साथ कोई संकट या परेशानी आई तो समाजवादी पार्टी ने सरकार के खजाने से मदद की। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर योगी हैं तो योगी की जो परिभाषा गीता में है
जो भगवान श्री कृष्ण ने दी है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी हैं? किसान मर जाए, जवान मर जाए, पत्रकार मर जाए, उनमें कोई परवाह नहीं है। जो मदद करनी चाहिए, जो पुरानी योजनाएं थी वो भी नहीं लागू कर रहे हैं। साइकिल ट्रैक आपके यहाँ बना मथुरा में, गोवर्धन का बाईपास किसने बनाया, गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा मार्ग किसने सुंदरीकरण किया, एलईडी लाइट्स लगाई। यहीं पर मुझे याद है जब मैं अक्षय पात्रा के मंदिर से निकला था तो मैंने बदबू सूंघी थी, यहाँ पर बदबू थी। इस्कॉन टेम्पल में गया तो मैंने देखा बदबू है, तो जब मैंने अधिकारियों से पूछा उस समय के जो DM और कमिश्नर थे जो हमारे साथ थे, मैंने कहा अगली बार अगर मैं आऊँ तो यहाँ ये नहीं दिखना चाहिए, ना इस तरह की वो बात होनी चाहिए। याद कीजिए वो नाला बना, सब बंद होकर के सफाई हुई। ये तो मथुरा है, और मैं तो आपसे कहूँगा कि यहाँ के जो विकास कार्य हैं आप उनकी सूची बना लो, और भारतीय जनता पार्टी हमें बताए कि उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया उसके मुकाबले। अगर 4 लेनिंग हुई है मथुरा, वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाना में, फ्लाईओवर्स बने, ROVs बने, तो वो हमें बताएं कि कितने 4 लेन उन्होंने बनाए हैं। और उन्होंने केवल एक काम किया है कि जो 4 लेन का हेड था जिसके माध्यम से 4 लेनिंग होती थी वो हेड ही खत्म कर दिया, उसमें पैसे ही नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक्सप्रेस वे से वृंदावन का सीधा रास्ता अगर किसी ने जोड़ा है तो समाजवादियों ने जोड़ा है, न कितने लाखों लोगों को उससे लाभ पहुंचा है। वो एक वैक्सीन बंद हो गई दुनिया में, कहो तो हम लगवा दें आपको भी। है वैक्सीन बंद की नहीं बंद हुई, तो ये सही है कि वैक्सीन लगनी चाहिए। हमें इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या रिसर्च साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट, इन पे कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस कोरोना का भी लाभ लेना चाहती है, जब भूखों मार दिए मजदूर सड़कों पे चलते, आपने हमने देखा कितने मजदूर बेचारे घर का सब सामान लाद करके चल रहे थे, तब ये सरकार सो रही थी। बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री बने उसका पूरा समर्थन और अपील हम आपसे भी करते हैं। कल किसान महापंचायत में क्या गठबंधन की कोई घोषणा की जाएगी? समाजवादी पार्टी का गठबंधन RLD से है, इसी चौहान जी की को फ्री वैक्सीन लग जाएगी, और फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे। समाजवादी सरकार बनेगी तो आप जानते हो हम क्या करेंगे, आपको भी फ्री वैक्सीन लगाएं, खुद भी लगाएं। क्यों लेकर के न जाने कितने संकल्प लिए, जो माँ गंगा को झूठ बोल सकते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे, यमुना साफ करेंगे। और ये वही यमुना है जो अंतर्गत वो भी जाकर के जुड़ जाती है गंगा से। अगर चंबल का पानी न जुड़े यमुना में तो नाला दिखेगी। इन्हें बताना चाहिए कि यमुना को लेकर के साधु संत, यहाँ के पर्यावरणविद और न जाने कितने जागरूक लोग लगातार ये कोशिश करते रहे कि यमुना साफ हो, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समर्थन किया। आज ये बताएं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बाद कितनी यमुना साफ हुई है। अलीगढ़, हाथरस और मथुरा के सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता थे और बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे। अभी तक उत्तर प्रदेश में 140 विधानसभाओं के लगभग प्रतिनिधि शिविर हो चुके हैं, है उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि सभी धर्म मिलकर के और सभी जातियां मिलकर के एक रहते हैं। मैंने आपसे कहा और मैं कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा कि जो व्यक्ति योगी वही है जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे। क्या मुख्यमंत्री जी योगी हैं? क्या मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना जानते हैं? क्या मुख्यमंत्री जी उद्घाटन का उद्घाटन नहीं कर रहे? क्या मुख्यमंत्री जी शिलान्यास का शिलान्यास नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि 5,00,000 करोड़ के MOU किए थे, कल उनके 4 साल पूरे हो रहे हैं, खुशी और जश्न मनाया जा रहा है, तो ज़मीन पर कितना उतरा है ये बताएं। ये जो TV पर प्रचार दिखाते हैं मेट्रो चलते हुए, ये मेट्रो एक भी भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है,
ये जितनी भी मेट्रो चल रही हैं सब समाजवादी सरकार के समय की चलाई हुई हैं। जितने भी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, इन्होंने तो अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेसवे नहीं लिखा। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेसवे ना लिखती हो और वो एक्सप्रेसवे का प्रचार कर रही है, तो आखिरकार वो एक्सप्रेसवे है किसके?